आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ट्रिकी मार्ट। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट इज शॉर्ट फॉल पेनल्टी चार्जेस और ये आपके अकाउंट में कब लगता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आपको हमेशा अपडेटेड नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिना लेट किए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर मार्जिन शॉर्टफॉल चार्जेस होता क्या है। फ्रेंड्स, अगर आप मार्जिन यूज करते हैं और ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आपका मार्जिन जो है शॉर्टफॉल पर आता है तो अगले दिन आपको उसे पे करना होता है मॉर्निंग 8 बजे के अंदर। अगर आप उसे पे नहीं करते हैं तो आपके ऊपर मार्जिन शॉर्टफॉल का चार्जेस लगता है, ठीक है। सो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए आपको सिंपली 8 बजे के पहले आपको इसका पे कर देना चाहिए, शॉर्टफॉल पेमेंट आपको कर देना चाहिए जो भी शॉर्टफॉल हुआ है आपका मार्जिन, ओके। तो इससे क्या होगा कि आपके ऊपर पेनल्टी चार्जेस नहीं लगेंगे, ठीक है। सो मैं आपको एक सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप मार्जिन यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए तो प्लीज़ आप पहले अवेयर हो जाएं, नॉलेज ले लें कि कैसे मार्जिन यूज होता है और इसके शॉर्टफॉल होने से क्या होता है, अगर आपका प्रॉफिट होता है तो आपका अकाउंट में कैसे क्रेडिट होता है, ये सारी बातें आप पहले जान लें उसके बाद जाकर मार्जिन यूज करें। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको अपने काम की इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।